दोस्तों आज हम स्वॉलोड स्टार की न्यू एपिसोड 68 को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस वजह से आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हमारा एपिसोड स्टार्ट होते ही सबसे पहले हम देखते हैं लुओ फांग को, जहां पर फांग होंग के पास आ जाता है और आते ही उसे कहता है कि हॉल मास्टर, मैं अपनी आइटम्स को ट्रेजर के साथ में एक्सचेंज करने के लिए आया हूँ। जिसके साथ ही होंग उसे पास बैठने के कहता है और जैसे ही लुओ फांग यहाँ पर बैठ जाता है तो उसी के साथ ही वहाँ पर सारी स्क्रीन ओपन हो जाती है, जहाँ पर सारे ट्रेजर की डिटेल मौजूद होती है और उसी के साथ ही लुओ फांग इन्हें चेक करना शुरू कर देता है और लुओ फांग इसे चेक करते करते बबाटा भी ये सब देख रही होती है, मगर इनमें से कोई भी चीज उसे अच्छा नहीं लगता। जिसके साथ ही बबाटा कहती है, मुझे ऐसा लगा ही था कि यहाँ पर मुझे कोई भी ट्रेजर स्पेसशिप बनाने की किसी काम भी नहीं आ सकता। लेकिन जैसे ही लुओ फांग और ऊपर जाता है तो उसी के साथ ही बबाटा उसे कहती है, लुओ फांग यहाँ पर एक ट्रेजर मौजूद है जो कि काफी अमेजिंग है। जिसके साथ ही लुओ फांग कहता है, क्या ये वही ग्रेविटी चेम्बर नहीं है जो कि अनीसीन सिविलाइजेशन से हमें मिला था? ये हमारे पूरे बूट कैंप में सिर्फ एक ही मौजूद है, जिसके साथ ही मेरी कल्टीवेशन की स्पीड मिनिममली 120 टाइम्स तक राइज हो सकती है। जिसके साथ ही लुओ फांग होंग से कहता है, हॉल मास्टर, मैं इसमें मौजूद ग्रेविटिनल सिविलाइजेशन रूम को लेना चाहती हूँ। और इसके साथ ही होंग इसकी डील से काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके साथ ही लुओ फांग 2000 ईयर ओल्ड की ब्लैक एबनी रूट, दो ड्रैगन ब्लड्स को भी ले लेता है, स्पिरिट ऑफ 7 प्लांट्स को भी ले लेता है। जिसके साथ ही होंग उसे कहता है, तुम्हारी ये सारी डील टोटल 110 स्टार्स के करीब बनते हैं, जिसके लिए तुम्हें 5.5 वुड क्रिस्टल देने होंगे। तुम्हारे 0.5 वुड क्रिस्टल पहले ही मेरे पास मौजूद है, जो वुड क्रिस्टल तूने मुझे दिया था और वह हाफ हाफ दोनों के हिस्से आता था, जिसकी वजह से तुम उस वुड क्रिस्टल को निकाल कर बाकी के 5 वुड क्रिस्टल मुझे दे सकते हो। और उसके साथ ही लुओ फांग उसे वुड क्रिस्टल पे कर देता है, जिसके साथ ही लुओ फांग अपनी डील कंप्लीट कर बाहर आ जाता है। और इसके साथ ही हम देखते हैं लेडी इसादोरा को, जिसका एक एजेंट आते ही उसे कहता है, लुओ फांग बाहर आ चुका है। और इसी के साथ ही लेडी इसादोरा खुद ही लुओ फांग के पास आ जाती है और आते ही लुओ फांग से कहती है कि मेरा नाम इसादोना है और क्या मैं आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सकती हूँ, और हम लोग सिर्फ टी पीने की टाइम तक एक दूसरे के साथ बैठ सकते हैं। जिसके साथ ही जैसे ही हमारा यू चेंज होता है तो हम लोग देखते हैं लुओ फांग को, जो कि लेडी इसादोरा की सामने बेटा होता है। और इसी के साथ ही लेडी इसादोरा से कहता है, वुड क्रिस्टल, जिसके साथ ही लेडी इसादोरा उसे कहती है, मैं आपके साथ डायरेक्टली माने पॉइंट से बात करती हूँ, क्या आपके पास लीडर होंग के साथ डील करने के बाद अभी भी अगर कोई वुड क्रिस्टल मौजूद है तो हमारा HR अलायंस उसे मार्केट प्राइस से 3 टाइम्स ज्यादा पे करने के बाद हासिल करने में इंटरेस्टेड है। मगर उसके साथ ही बबाटा काफी शॉक होती है और उसके साथ ही कहती है, सिर्फ 3 टाइम्स मार्केट प्राइस, क्या तुम्हें इस बात का पता है कि तुम लोग अगर मार्केट प्राइस से 100 टाइम्स देने के लिए तैयार हो भी जाओ तो फिर भी तुम लोग वुड क्रिस्टल की रियल वैल्यू को नहीं समझ सकते। जिसके साथ ही लुओ फांग अपनी माइंड में सोचने लगता है, मगर बात जब वुड क्रिस्टल की जाए तो कोई भी एक वुड क्रिस्टल किसी 8 या 9 लेवल स्टूडेंट वॉरियर्स को स्टार ट्रैवलर लेवल तक पहुँचा देता है। और उसके साथ ही साथ HR अलायंस के पास काफी बड़ी अमाउंट भी मौजूद है, जिसकी वजह से ऐसा भी हो सकता कि वह लोग अपनी मनी का यूज करते हुए वुड क्रिस्टल को हासिल करने की काफी कोशिश कर रहे हैं। जिसके साथ ही बबाटा दोबारा से कहती है, वुड क्रिस्टल को यूज कर स्टार ट्रैवलर लेवल के फाइटर्स को बॉर्न करना, हम लोग सिर्फ ऐसा कर अपनी रिसोर्सेज को जाया करने वाले हैं। मगर उसके साथ ही बबाटा की माइंड में एक और आइडिया आता है, जिसके साथ ही लुओ फांग से कहती है, तो पहले लेडी इसादोरा से स्पेसशिप या फिर मटेरियल की स्क्रैप के बारे में पूछ सकते हो। जिसके साथ ही लुओ फांग लेडी इसादोरा से कहता है, आपको इस बात का अच्छे से पता है कि किसी भी स्टार ट्रैवलर लेवल के साथ मनी की डील करना या फिर मनी की बात करना कोई भी मायने नहीं रखता, क्योंकि जब के वक्त कोई भी प्रैक्टिस ओनर लेवल पर पहुंच जाता है तो उसे मनी के रेट नहीं रहती, क्योंकि उसके पास इतनी ज्यादा मनी पहले ही मौजूद होती है कि वह दुनिया में जो चाहे वह ले सकता है। मगर मेरी कुछ हॉबी जरूर मौजूद है, मुझे स्पेसशिप उनकी मटेरियल को जमा करना काफी अच्छा लगता है, उसके साथ मुझे अनीसीन सिविलाइजेशंस को एक्सप्लोर करना काफी अच्छा लगता है। इस पर इसादोरा एक दफा के लिए काफी ज्यादा शॉक होती है,
मगर उसकी साथ ही लुओ फांग की डील पर मान जाती है और उसकी साथ ही लुओ फांग से कहती है कि आप भी अपनी बात करने में काफी ज्यादा डायरेक्ट है। मैं 3 दिन के बाद सारे आइटम्स की लिस्ट को तैयार करवा दूंगी और मैं आपके साथ ट्रांजिशन और डील करने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ और आपका डील को कम्प्लीट करूँगी, जिसके साथ ही ये डील कम्प्लीट हो जाती है और इसके साथ ही लुओ फांग अपनी सिटी में वापस आ जाता है, जहां पर जैसे ही लुओ फांग अपने घर पहुंचता है उसके साथ ही आते ही अपनी फादर और मदर उनके ब्रदर को स्पिरिट ऑफ प्लांट्स को दे देता है, जो सब इनको खाने के लिए होता है। और जैसे ही ये सभी लोग इस प्लांट्स को खा जाते हैं तो उसके साथ ही लुओ फांग बबाटा से अपनी फैमिली की फिजिकल फिटनेस को चेक करने का कहता है, जिसके साथ ही बबाटा का इंटेलिजेंस सिस्टम फांग की फादर की पावर को चेक करता है, जो कि स्टूडेंट लेवल 3 पर होती है। जिसके बाद बारी आती है फांग की मदर की, जिनका पावर लेवल स्टूडेंट 2 तक पहुंच चुका होता है। जिसके बाद बारी आती है फांग की ब्रदर की, जो कि स्टूडेंट 3 टाइप पर होता है। जिसके साथ ही फांग के ब्रदर कहता है, क्या हम लोग शुरू से ही प्रैक्टिसनर्स थे और हम लोग भी वरियर्स थे। जिसके साथ ही फांग की फादर उसे कहते हैं, आखिरकार तूने अभी अभी हमें खाने के लिए क्या दिया है। जिस पर लुओ फांग उन्हें बताता है कि यह सिर्फ कुछ कॉमन चीजें थी जो कि आसानी से तो नहीं मिलती, मगर मेरे लिए इन्हें हाजिल करना कोई भी मुश्किल काम नहीं था। और उसके साथ ही लुओ फांग अपने फादर को मूव करने के लिए कहता है और जैसे ही लुओ फांग के फादर अपने पांव पर खड़े होने की कोशिश करते हैं तो अभी के लिए वह बिल्कुल फिट हो चुके होते हैं। तो जैसे ही उनके फादर उठकर खड़े हो जाते हैं तो वह एक्सरसाइज करना भी स्टार्ट कर देते हैं और उनके बॉडी टोटली फिट लग रही होती है। जिसके साथ ही लुओ फांग अपनी फैमिली मेंबर से कहता है, फादर मादर मैं आप लोगों को कहीं पर ले जाना चाहती हूँ। और इसके साथ ही ये सब लोग स्पेसशिप पर बैठकर फ्लाई करना स्टार्ट कर लेते हैं। जिसके साथ ही फादर लुओ फांग से कहते हैं, तुमने अभी अभी क्या कहा, क्या हमारा आंट अभी भी जिंदा है। जिसके साथ ही लुओ फांग कहता है, हाँ ये सच है, वह जिंगडू सिटी में मौजूद है और वहीं पर रहती है और मैं सबसे पहले आपकी इंजरी को रिकवर करना चाहता था, जिसके बाद ही मैं आप लोगों को वहां पर लेकर जाना चाहता था ताकि जाकर आप अपनी फैमिली से हैप्पीली मिल सके। जो सुनकर उनके फैमिली के सारे मेंबर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। और उसके साथ ही बबाटा दोबारा से लुओ फांग से कहती है, तो अपना टाइम तो आपने रिलेटिव को फाइंड करते हुए मुझे यूज कर रहे हो और मुझे भी ऐसा नहीं तो लगा कि तुम्हारी रिलेटिव को फाइंड करना इतना इंटरेस्टिंग भी हो सकता है। और किसके साथ तुम्हें मास्टर से इनहेरिटेंस भी जल्दी से जल्दी रिसीव करना होगा, क्योंकि चाहे बात जो भी हो तुम्हारे अर्थ पर रहते हुए एक ह्यूमन होने की क्वालिफिकेशन कम है, जिसकी वजह से तुम्हारा एक एक सेकंड काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मगर उसके साथ ही लुओ फांग बबाटा से कहता है, मैं ये सब सिर्फ अपनी पेरेंट्स के लिए कर रहा हूँ और मैं स्ट्रांग भी इसलिए बनना चाहती हूँ कि मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकूँ, क्योंकि चाहे फिर बिना किसी मकसद में कितना भी पावरफुल क्यों ना बन जाऊँ, वह सब मेरे लिए मीनिंगलेस होने वाला है। मगर जैसे ही लुओ फांग ये सब बातें कर रहा होता है तो उसके साथ ही उसे आवीन की कॉल आ जाती है, जो कि लुओ फांग से पूछता है, क्या तुम अपनी फैमिली को लेकर जिंगडू सिटी जाने वाले हो ताकि तुम जाकर अपनी ग्रैंड मदर से मिल सको। जिसके साथ ही लुओ फांग उसे बताता है कि हाँ मैं ऐसा ही करने वाला हूँ, मगर ये सब तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो। जिसके साथ ही आवीन उसे बताता है कि मुझे अभी अभी एक न्यूज मिली है कि तुम्हारे ग्रैंड मदर को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है क्योंकि उन्हें एक हार्ट अटैक हुआ था। जो सुनते ही ये सब लोग और भी शॉक हो जाते हैं, जिसके साथ ही हम देखते हैं जिंगडू सिटी के हॉस्पिटल को, जहां पर लुओ फांग की ग्रैंड मदर मौजूद होती है और उसके साथ ही साथ उनके पास एक लड़की बैठकर उनकी केयर कर रही होती है। मगर उसी के साथ ही यहां पर डोर नॉक होना स्टार्ट हो जाता है और उसके साथ ही डोर के बाहर से लुओ फांग की आवाज आती है, जो कि कहता है कि क्या मेरी ग्रैंड मदर इसी वार्ड में मौजूद है। जिसके साथ ही वो लड़की कुछ दरवाजे को ओपन करती है और लुओ फांग और उनकी फैमिली को देखकर उन्हें अंदर बुलाती है। और जैसे ही ये लोग अंदर आ जाते हैं और उसके साथ ही लुओ फांग की फादर अपनी आंट को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और आते ही उनके पास आ जाते हैं और उसके साथ ही उनसे कहते हैं, क्या आप मुझे पहचान सकते हैं। जिसके साथ ही आंट कहती है कि तुम्हारा नाम होंगुओ है, क्या तुम वही हो। जो सुनते ही होंगुओ काफी ज्यादा खुश हो जाता है, जिसके साथ ही आंट उसे कहती है, तुम पहले से काफी ज्यादा बड़े हो चुके हो और देखने में तुम अपनी फादर की तरह ही लगते हो। जिसके साथ ही यहां के सारे सीन बहुत ही इमोशनल
इमोशनल हो गए होता है और उसकी साथ ही ग्रैंड मदर उस लड़की से कहती है जल्दी से आगे आकर अपनी अंकल को हेलो करो और उसकी साथ ही वह लुओ फांग की फादर को बताती है यह मेरी ग्रैंड डॉटर है और इसका नाम टैंग योंगटिंग है। जिसकी साथ ही वह लड़की लुओ फांग की फादर को रिस्पेक्ट पे देती है और इसकी साथ ही लुओ फांग के फादर अपनी पत्नी अब अपने बेटे को आगे आकर रिस्पेक्ट देने के लिए कहता है। मगर जैसे ही ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं उसकी साथ ही यहाँ पर एक विलन की एंट्री हो जाती है और यह अंदर आता है तो आते ही कहता है क्या यहाँ पर आज कोई गेस्ट भी मौजूद है। मगर चलो अगर ये गेस्ट यहाँ पर आई गए हैं तो इन सब को भी वेडिंग इनविटेशन लिस्ट में ऐड कर लो। जिसके साथ ही वह लड़की उस विलन से कहती है वेंग जिंगान तुम्हें ज्यादा बात करने की कोई जरूरत नहीं है मेरी ग्रैंड मदर पहले ही तुम्हारी वजह से काफी ज्यादा बीमार हो चुकी है जिन सबकी पीछे की रीजन सिर्फ तुम हो तो अभी के लिए तुम्हें हमारे से और क्या चाहिए। जिसके साथ ही लुओ फांग कहता है मुझे ऐसा लगता है कि यह शायद उसका ब्रदर है और उसकी साथ ही साथ यह देखने में उसकी जैसा ही है ये दोनों देखने में भी एक ही जैसे लग रहे हैं। मगर उसकी साथ ही वेंग जिंगयान कहता है मैं सिर्फ तुम्हारे साथ शादी ही करना चाहता हूँ क्या मैं इसमें कुछ गलत कर रहा हूँ। तुम्हें अच्छे से इस बात का पता होना चाहिए कि इस दुनिया में काफी ऐसे लोग मौजूद है जो कि मेरे साथ रहना चाहती है और मेरे साथ शादी करना चाहती है। मगर उसकी साथ ही वह लड़की उसे धक्का दे देती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारे जैसा आदमी के साथ शादी नहीं करने वाली अगर तुमने दोबारा से मेरे पास आने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगी। जिसके साथ ही लड़की चाकू उठा लेती है मगर उसी के साथ ही वेंग जिंगयान उसे कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है मैं जितना भी बुरा इंसान नहीं हूँ और उसकी साथ ही साथ मुझे चाकू और गन को देखकर बहुत ही बुरा लगता है। और इसके साथ ही वेंग जिंगयान उस लड़की को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। मगर जैसे ही वेंग जिंगयान ये सब कर रहा होता है तो उसका ध्यान इस बात पर मौजूद ही नहीं होता कि उनके सामने कौन खड़ा है। मगर जैसे ही वह अपने हाथ से चाकू को नीचे गिराता है तो उसी के साथ ही वह लड़की काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। मगर लुओ फांग उस चाकू को नीचे गिरने नहीं देता और अपनी मेंटल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए उसे अपने पास बुलाता है और उसके साथ ही उन सब की एक्टिंग को देखकर क्लैप्स करने लगता है। जिसके साथ ही वेंग जिंगयान उसे कहता है तुम किसके लड़के हो। जिस पर लुओ फांग उसे बताता है मैं उसका ब्रदर का कजन हूँ जो कि अभी अभी मैं जांगयन बे सिटी से आया हूँ। और इतना कहते ही आज का हमारा एपिसोड यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी जरूर कर देना।